नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। हाजिर है एक लेटेस्ट लीगल वैकेंसी के साथ। ये रिक्रूटमेंट आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से है। पोस्ट का नाम है सीनियर कंसल्टेंट लीगल। इसमें आपकी सैलरी 90,000 पर मंथ की होने वाली है। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद करेंट वैकेंसीज वाले सेक्शन से आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पब्लिशिंग डेट है 3/8/2023 और यहीं पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा। लेटेस्ट लीगल जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल वैदिक पल को। सीनियर कंसल्टेंट लीगल PNDT 1 पोजीशन, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो वह है 1। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर जो कि आपका न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स। यहाँ से आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको कोर्ट केसेस हैंडल करने होंगे विथ रिस्पेक्ट टू PC एंड PNDT एक्ट एंड रूल्स के रिगार्डिंग जो भी केसेस होते हैं उनको हैंडल करना होगा। लीगल एडवाइस टेंडर करना होगा। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट करना होगा विथ ASG / सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल, यानी जो आपके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के चलना होगा विथ रिस्पेक्ट टू केसेस। यहाँ से आप डिटेल से जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। एज की बात करें तो अपर एज लिमिट है आपकी 55, यानी आपकी एज 55 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एज की जो कट ऑफ डेट रहेगी वो है आपकी क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन। रिमोनरेशन या मंथली कंसोलिडेटेड पे की बात करें वो होने वाला आपका 90,000 से लेकर के 1,50,000 पर मंथ का। जॉब लोकेशन की बात करें तो होगी आपकी दिल्ली। बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। NHSRC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाने के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है 29th August 2023। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म बाय पोस्ट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन लॉ वेदर 3 ईयर और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 4 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट लीगल फील्ड में। दैट मीन्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग कोर्ट केसेस एट द लेवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश एंड हिंदी पे आपकी कमांड होनी चाहिए। एंड पर्टिकुलरली अगर आपके पास नेशनल हेल्थ मिशन से रिलेटेड कोई पब्लिश रिसर्च वर्क है ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज हो सकता है। दोस्तों इसके नोटिफिकेशन में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहाँ से आप इसके नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।